हाय दोस्तों, आईटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले के टाइम में जब किसी को लेटर लिखना होता था तो टाइपराइटर का यूज किया जाता था, और जिनके पास टाइपराइटर नहीं होते थे वो तो अपने हाथ से ही लेटर लिखकर पोस्ट कर देते थे। मगर मैं बात करूं आज के टाइम की, तो आज के टाइम में तो सबके पास अपना एक टाइपराइटर है, जिसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड ऐप का यूज आप रोजाना हजार बार करते होंगे, बट फिर भी मैं आपको ऐसा कह सकता हूं कि आपको कीबोर्ड ऐप को यूज करना नहीं आता है। बस आपको आता है क्या? आपको आता है टाइप करना। बट इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो इस के अंदर मैं आपको कीबोर्ड ऐप के कुछ ऐसे हाइडन फीचर्स बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप कीबोर्ड ऐप के मास्टर बन जाएंगे। और आपको ये सब कुछ जानना ही होगा, क्योंकि जिस ऐप का यूज आप बार बार कर रहे हैं, जिस ऐप को आप डेली यूज कर रहे हैं, सोचिए कि अगर आपको उस ऐप के सारे फीचर्स के बारे में पता चल जाए तो आप उस ऐप को कैसे यूज कर पाएंगे, बड़ा ही मजा आएगा। तो चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे इस वीडियो को बनाने में मुझे लग गए थे 10 घंटे, और 10 घंटे की मेहनत का फल अभी आप कुछ मिनटों में लेने वाले हैं। यहां पर आपका नुकसान यही है कि बस आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट वेस्ट नहीं होगा भाई, इसकी जगह पर आपको काफी सारा फायदा होने वाला है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं हाईटेक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल कीबोर्ड के बारे में, क्योंकि गूगल का कीबोर्ड काफ़ी हद तक सेफ, सिक्योर और बेस्ट कीबोर्ड है। और ये कीबोर्ड ज़्यादातर सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में बाय डिफॉल्ट दिया जाता है। अगर आपके स्मार्टफोन में ये कीबोर्ड नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका फीचर्स है वो बेहद ही कमाल का है, तो इसके लिए आपको इस गूगल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रांसलेट वाला एक आइकॉन दिख जाएगा, सिंपल आप यहाँ क्लिक कीजिए और ओके वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोबारा से आप ऐसा ही कीजिए, गूगल वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिए और ट्रांसलेट वाला आइकॉन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये जो फीचर्स है ये काफी कमाल का है। इस फीचर्स की मदद से जो भी कुछ आप लिखेंगे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकता है या फिर किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सकता है। जैसे कि यहां पर मैं हिंदी लैंग्वेज पहले सिलेक्ट कर लेता हूं, तो सिंपल मैं यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे मैं हिंदी में लिखूंगा वो सीधा का सीधा अंग्रेजी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर कोई बंदा आपके अंग्रेजी झाड़ रहा है तो आप हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में अपने आप बन जाएगा और सीधा उसे सेंड कर दीजिए। तो काफी कमाल का फीचर है। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कहां हो आप या फिर आप कहां हो, तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका अंग्रेजी में जो है वो ट्रांसलेट अपने आप ही हो रहा है और सीधा मैं इसे सेंड कर सकता हूं। तो ये काफी कमाल का फीचर है उन लोगों के लिए जिन्हें अंग्रेजी थोड़ी बहुत नहीं आती या फिर थोड़ी बहुत अच्छी आ भी जाती है बट वो थोड़ी सी गलती कर लेते हैं, तो वो इस फीचर का जो है वो यूज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से किसी के भी साथ अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह कि यहां पर जो भी कुछ मैं लिख रहा हूं वो इंग्लिश में लिख रहा हूं बट हम उसे हिंदी में समझ सकते हैं, बट ये ऐप उसे भी अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद का एक और कमाल का फीचर है, इसके लिए भी आपको गूगल वाले आइकॉन पे ही क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहां पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर कोई वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहां पर वेदर सर्च करके दिखा देता हूं। तो सिंपल मैं यहां पर वेदर पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर कई सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, कई सारी वेबसाइट भी आ चुकी है। इसके लिए आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट कंपलसरी ऑन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद का जो वेदर है वो कुछ इस तरह का यहां पर अभी आ रहा है। अब यहां पर मैं इसे शेयर कर सकता हूं, डायरेक्ट लिंक शेयर कर सकता हूं अगर मुझे करनी है किसी को, और अगर मैं इसका एक कार्ड बनाना चाहता हूं तो मैं इसका कार्ड भी बना सकता हूं। इसके लिए सिंपल है, मुझे यहां पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये उसका एक कार्ड बना देगी और कार्ड बनाने के बाद मैं उसे शेयर भी कर सकता हूं। इसकी मदद से आप किसी भी तरह की वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, उसका कार्ड बना सकते हैं। अगर आपकी YouTube चैनल है तो आप अपने वीडियो का भी कार्ड जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर अपना वीडियो जो है वो सर्च करना होगा। Google में अगर आपका वीडियो आ जाता है तो आप उस पर क्लिक करके उसका कार्ड जनरेट कर सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसका एक मतलब एक फोटो जो है वो तैयार हो जाएगा और नीचे जो है लिंक ऐड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और कमाल का फीचर्स मिलता है, इसके लिए भी आपको गूगल वाले आइकॉन पर ही क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस छोटे से आइकॉन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करते आपके सामने कई सारे जो है वो स्टिकर आ जाएंगे और यहां से आप स्टिकर को सर्च भी कर सकते हैं। यहां पर आपको कुछ एनिमेटेड स्टिकर भी मिल जाएंगे और कई सारे जो है वो इमोजी मिल जाएंगे, साथ साथ में आप यहां पर गिफ्ट फाइल को भी शेयर कर सकते हैं। यहां पर आपको इतनी सारी कैटेगरी मिल जाएगी और अगर आप किसी गिफ्ट को सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहां पर आपको मतलब वो सारे इंटरफेस मिल जाते हैं जिससे आप नए नए स्टिकर डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो वो सारे फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो आप इसे अपनी चैट को और एक लेवल ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसके बाद का जो फीचर्स है वो इसी ऐप का एक सिस्टम फीचर्स है जो कि काफी कमाल का है। इसके लिए भी सिंपल है, आपको गूगल के ही आइकॉन पे क्लिक करना होगा। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल आप थीम वाला आइकॉन पे क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारी थीम आ जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वॉलपेपर दिखाई देंगे, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है और कलरफुल भी है, जिससे हमारा कीबोर्ड और भी खूबसूरत लगता है। साथ साथ में आपको यहाँ पर एक बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें अगर आप कीबोर्ड में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, अगर आप बिना बॉर्डर का कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके स्मार्टफोन का कलर कैसा है। अगर आप रेड फोन यूज़ करते तो रेड लगाइए, ब्लू यूज़ करते तो ब्लू लगाइए। तो जिस तरह का आपका स्मार्टफोन है उसी तरह की आप थीम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद का जो फीचर्स है वो भी आपको यही देखने को मिलेगा, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। भाई जैसा नाम है वैसा काम है और बेहद ही कमाल का फीचर्स है खास तौर पर मेरे लिए। ये फीचर्स क्या करता है, जब भी आप किसी लिंक को कॉपी करते हैं या फिर किसी भी मैसेज को कॉपी करके अगर आप किसी को शेयर करें या फिर यहाँ पर पेस्ट करें तो ये क्लिपबोर्ड उसे ऐड कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एक यूट्यूब चैनल है या फिर आपकी कोई वेबसाइट है और अगर बार बार आपको अपनी वेबसाइट की लिंक या फिर अपनी चैनल की लिंक शेयर करनी होती है तो आपको बार बार जो है वो कॉपी करना पड़ता है। बट आप एक बार अपनी URL को कॉपी कर लीजिए और जैसे आप यहां पर पेस्ट करेंगे तो वो URL आपको यहां पर दिखाई देगा। तो आप उस URL को, उस लिंक को यहां पर पिन कर लीजिए। एक बार पिन करने के बाद जब भी कोई बंदा दूसरी बार आपके पास उस URL को या फिर उस लिंक को मांगेगा तो यहीं से ही आप उसे शेयर कर सकते हैं। आपको दोबारा से अपनी वेबसाइट पर या फिर अपनी चैनल पर जाकर उसे कॉपी नहीं करना होगा। तो काफी कमाल का फीचर है। यहां पर आप जो भी कुछ मैसेज भी लिखेंगे वो भी आप यहां पर पिन कर सकते हैं। अगर आप एक ही मैसेज बार बार शेयर कर रहे हैं तो ये फीचर्स आपको काफी काम आ सकता है। इसके बाद का जो फीचर है ये उन लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है जिनके पास लंबे चौड़े टेक्स्ट मैसेज आते हैं या फिर वो लोग भी लंबे चौड़े मैसेज लिखते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है, तो इसे कैसे आप एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, आपको गूगल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, तीन डॉट पर जाना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट एडिटिंग का। तो सिंपल आप यहां पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर आप एरोस की मदद से ऊपर नीचे जा सकते हैं, यानी कि अगर आप पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट को रिमूव करना चाहते हैं, उसको कट करना चाहते हैं, उसकी जगह पर कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो ये जो फीचर्स है इसकी मदद से आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को जो है वो एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं, कोई लंबी सी कहानी लिख रहे हैं व्हाट्सएप पर और अगर आपको लग रहा है कि यहां पर कुछ गलती हुई है तो आपको अपनी उंगली नहीं लगानी है, आप इस ऐप की मदद से यानी कि इस फीचर्स की मदद से उस जगह पर जा सकते हैं और बड़ी आसानी से उसे रिमूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और कहीं पे पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद का जो फीचर है इसकी मदद से आप एक हाथ से टाइप कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको गूगल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है तीन डॉट पे। तीन डॉट पे जाने के बाद आपको यहां पर वन हैंडेड वाला फीचर्स मिल जाएगा। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो सीधा लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, लाइक कुछ इस तरह से। तो अगर आप लेफ्टी है तो यहां से आप टाइप कर सकते हैं और अगर आप राइटी है तो यहां पर क्लिक करके आप इसे राइट साइड पर ला सकते हैं। और अगर आप उसे पहले जैसा करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहां पर क्लिक कीजिए तो ये जो कीबोर्ड पहले था वैसा हो जाएगा। इसके बाद आप इसे दोनों हाथों से यूज कर सकते हैं। तो ये भी काफी कमाल का फीचर है। इसके बाद का जो फीचर है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर मैं अभी आपको बार बार लेकर जा रहा हूं। गूगल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए, तीन डॉट पे क्लिक कीजिए और वहां पर आपको एक फीचर मिलेगा फ्लटिंग का, जिसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड को हवा में उड़ा सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से आप अपने कीबोर्ड को ऊपर नीचे लेकर जा सकते हैं। इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन नीचे से टूट जाती है या फिर काम करना बंद कर देती है, तब आप इस कीबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर लेकर जा सकते हैं ताकि आप अच्छे से टाइप कर पाए और आप अपने स्मार्टफोन को यूज कर पाए। इसके बाद का जो फीचर है ये भी काफी मजेदार है। इसकी मदद से आप किसी भी मैसेज के सारे लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर स्मॉल बना सकते हैं या फिर उस टेक्स्ट के पहले लेटर को भी जो है वो कैपिटल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने कोई मैसेज लिखा है तो पहले तो आप उसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सिंपल है, आपको यहां पर एक एरोस का बटन जो है वो दिखाई देगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बूम, ये सारे लेटर जो है वो स्मॉल बन चुके हैं और अगर आप एक बार फिर से इस पर टैप करेंगे तो इसका जो पहला लेटर है वो बन जाएगा कैपिटल और अगर एक बार फिर से आप इस पर टैप करेंगे तो ये सारे के सारे लेटर जो है वो कैपिटल बन जाएंगे, लाइक कुछ इस तरह से। तो इसकी मदद से क्या है कि अगर कोई मैसेज आप पूरा का पूरा कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं। अब मैं जो फीचर्स आपको बताने वाला हूं इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये काफी मजेदार है। इसके लिए सिंपल आपको कीबोर्ड के स्पेस वाले बटन पे होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको जाना है मैनेज सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आपको ऐड कीबोर्ड का एक बटन मिल जाएगा, तो सिंपल आप वहां पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारी लैंग्वेज आ जाएगी। अब जिस लैंग्वेज को आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहां पर मैंने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा इसके बाद मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। यहां पर आपके सामने कई सारी जो है वो कीबोर्ड आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर एक कीबोर्ड तो ऐसा होगा जिसमें आप हैंड राइटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथों से भी हिंदी लिख सकते हैं। मगर मजा तब आएगा जब आप इस टिक मार्क को हटा देंगे। तो सिंपल आप इस टिक मार्क को यहां से हटा दीजिए, इसके बाद आप डन कर लीजिए। डन का बटन मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने पहले इसे डन कर लिया है, तो आप डन कर लीजिए। डन करने के बाद आप अपने मेन कीबोर्ड पर वापस आ जाएंगे। अब सिंपल आपको स्पेस वाले बटन पे फिर से होल्ड करना है और यहां पर आपको सिलेक्ट करना है ये वाला कीबोर्ड ABC माइनस
हिंदी। अब यहाँ पर जो होगा वो किसी जादू से कम नहीं होगा, क्योंकि जब भी अब मैं कोई इंग्लिश में टेक्स्ट मैसेज लिखूंगा तो ये ऐप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर देगी, ना कि ट्रांसलेट कर देगी। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप कैसे हो, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, तो मैं अंग्रेजी में जैसा लिख रहा हूँ तो ये ऐप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर रही है, ना कि ट्रांसलेट कर रही है। आप थोड़ी सी बात को ध्यान से समझिएगा, ट्रांसलेट बिल्कुल अलग है और कन्वर्ट जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे कि अगर मेरा कोई दोस्त है और उसे हिंदी ही समझ में आती है, उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आती, अब मैं हिंदी लिखने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग सकता है, तो मैं क्या करूंगा इस फीचर्स की मदद से, जैसे मैं अंग्रेजी में लिखूंगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप कहां हो, तो ये ऐप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर देगी, जो कि काफी मजेदार बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर आप हिंदी कीबोर्ड का यूज नहीं कर रहे, अंग्रेजी का ही यूज कर रहे और आप हिंदी में तेजी से टाइप भी कर रहे। सामने वाला बंदा चौंक जाएगा यार कि इतनी तेजी से तू हिंदी कैसे टाइप कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदी कीबोर्ड का यूज करना थोड़ा सा डिफरेंट। और अगर वापस आप अपने कीबोर्ड को नॉर्मल बनाना चाहते हैं, वापस उसे डिफॉल्ट करना चाहते हैं, अंग्रेजी में करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको स्पेस वाले बटन पर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आप इंग्लिश यूएस को सिलेक्ट कर लीजिए, आपका कीबोर्ड नॉर्मल यानी कि वही अंग्रेजी वाला हो जाएगा। इसके बाद का जो फीचर है, इसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड के ऊपर नंबर भी ऐड कर सकते हैं। होता है क्या कि कभी कभी टाइप करने के दौरान हमें नंबर भी टाइप करने होते हैं, तो इसके लिए हमें कीबोर्ड के अंदर जाकर नंबर जो है वो टाइप करने होते हैं, जिसमें काफी टाइम लग जाता है, बट अब आप कीबोर्ड के ऊपर ही नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको गूगल वाला आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद आप इस नंबर रो को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आपके कीबोर्ड के ऊपर नंबर ऐड हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यहां पर आपको सारे नंबर एक लाइन में दिखाई देंगे, साथ साथ में यहां पर आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ आपको ऊपर ही दिखाई देंगे और आप बड़ी आसानी से और स्पीड में जो है वो टाइप भी कर पाएंगे। अब इतने सारे फीचर्स के बारे में बता दिया और वॉइस फीचर्स के बारे में नहीं बताया तो ये ऐप बुरा मान जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं वॉइस फीचर्स के बारे में, यानी कि यहाँ पर आप बोलकर इस ऐप के पास टाइप करवा सकते हैं। बड़े कमाल का फीचर्स है और बड़ा ही आसान है। इसके लिए सिंपल आपको कीबोर्ड के स्पेस वाले बटन पर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको अपना कीबोर्ड यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम हिंदी वाला किया था। अब अगर आप तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती बोल रहे हैं तो आपको अपना कीबोर्ड पहले ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपको इस माइक वाले बटन पर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर बोलना है जो भी मैं यहाँ पर बोलूँगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल कीबोर्ड के बारे में और आप देख सकते हैं इसने टाइप कर दिया। इसी तरह से अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं और इसे टाइप करवाना चाहते हैं तो पहले आपको अंग्रेजी वाला कीबोर्ड जो है वो ऐड करना होगा, और इसी तरह से ही अगर आप हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, जिस लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहते हैं और ये ऐप टाइप करें तो उसके पहले आपको वो लैंग्वेज का कीबोर्ड ऐड करना होगा। इसका आपको खास ध्यान देना है, नहीं तो ये टाइप ही नहीं करेगा, किसी और लैंग्वेज में ही टाइप करके दे देगा। यानी कि अगर आप तमिल में बोल रहे हैं और हिंदी वाला कीबोर्ड ऐड किया है तो ये हिंदी में टाइप कर देगा तमिल वाली लैंग्वेज को। अब मैं जो फीचर्स आपको बताने वाला हूं, इसके लिए आपको मेरे खूबसूरत हाथों को देखना होगा, क्योंकि यहां पर आपको तभी समझ में आएगा कि इस फीचर्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कीबोर्ड को ओपन कर लिया है। अब क्या होता है, कभी कभी हम कोई मैसेज लिख लेते हैं और अगर हमें उसे डिलीट करना होता है तो हम डिलीट वाले बटन पर होल्ड करते हैं तो ये पूरा का पूरा मैसेज डिलीट हो जाता है, बट अब आप चाहें तो इसे स्वाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डिलीट वाले बटन से सिर्फ स्वाइप लेफ्ट किया तो यहां पर मैं किसी एक जगह पर पहुंच सकता हूं। जैसे कि यहां पर अगर मुझे थैंक यू वाला मैसेज ही रिमूव करना है तो मैं कर सकता हूं। अगर मैं इसे होल्ड करूंगा तो ज्यादा का हिस्सा भी जो है वो कट हो जाता है। कभी कभी हुआ होगा के साथ भी ऐसा कि कुछ कट नहीं करना है, कुछ रिमूव नहीं करना है, बट वो भी हो जाता है। बट अब आप स्वाइप लेफ्ट करने के बाद आप किसी एक जगह पर पहुंच सकते हैं कि भाई हाँ इतना हिस्सा जो है वो रिमूव करना है, तो वो उतना ही हिस्सा यानी कि उतना ही टेक्स्ट मैसेज जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एडिट की, कभी कभी क्या होता है कि कोई दो वर्ड के बीच में हमें कुछ ऐड करना होता है, उसके लिए हमें फिंगर का यूज करना होता है, बट अब आपको वो भी नहीं करना है। आपको जो स्पेस वाला बटन है उसे स्वाइप लेफ्ट करना है, बस हल्के से कुछ इस तरह से, तो आप अपने किसी भी टेक्स्ट मैसेज को एडिट कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी फिंगर का यूज नहीं करना है। होता है ना कभी कभी हमें फिंगर का यूज करना होता है, बीच में कुछ लिखना होता है, तो अब आपको ये नहीं करना है और सीधे आप वहां से उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको इस ऐप का सबसे कमाल का फीचर, सबसे बेस्ट फीचर्स कौन सा लगा? मेरा जो फीचर्स था वो था क्लिपबोर्ड वाला, वो मुझे काफी पसंद आया। आपका कौन सा था जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको डेली नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों को जिन्हें कीबोर्ड चलाना नहीं आता। अगर आपको लग रहा है कि इस बंदे को कीबोर्ड चलाना नहीं आता है, उसे कुछ नहीं पता, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो कीबोर्ड के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ले पाए और कुछ नया नया सीख पाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।